अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी और 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई। अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। वही इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 600 मिलियन डॉलर का बॉन्ड रद्द कर दिया है। क्या है मामला? अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने गौतम अडानी पर कथित रूप से अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अडानी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया। इसके बाद उस रकम का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया। अभियोग में कहा गया है कि अडानी और अन्य ने लगभग 265 मिलियन डॉलर जो कि करीब 2237 करोड़ रुपए होते हैं, इतने रुपए की रिश्वत दी। उन्हें उम्मीद थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट से 2 दशकों में 2 बिलियन डॉलर का मुनाफा होगा। अभियुक्तों का दावा है कि इस योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए न्यूमेरो यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया। अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और एक अन्य कार्यकारी विनीत एस जैन ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए 3 बिलियन डॉलर से अधिक के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए लेंडर्स और निवेशकों से रिश्वत की बात छिपाई। ये आरोप विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो विदेशी व्यापार सौदों में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अमेरिकी कानून है। इस खबर के आते ही अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में भूचाल आ गया और ये बुरी तरह से टूट गए। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में आई है, जो 20% तक फिसल गए हैं। इस पूरे मामले पर अब अडानी ग्रुप का बयान भी आ गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अभियोग जारी किया है। US स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित USD नामित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से लगे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने 600 मिलियन डॉलर के बॉन्ड को रद्द कर दिया है। अडानी ग्रुप ने अब इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। समूह के प्रवक्ता ने एक रिलीज जारी कर इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। बता दें, हिंडनबर्ग के असर से उभर चुके गौतम अडानी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब की।